शाओमी ने दोस्तों यहाँ पे Redmi Note 8 Pro को इंडिया के अंदर लॉन्च किया है 15,000 रुपए में, और 15,000 में दोस्तों आपके पास एक तगड़ा ऑप्शन था Realme 5 Pro का। बट दोस्तों यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि Realme 5 Pro लिया जाए या फिर Redmi Note 8 Pro लिया जाए, क्योंकि कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में Realme 5 Pro बेटर है, कुछ कुछ जगहों पे दोस्तों Redmi Note 8 Pro बेटर है। तो कौन सा लिया जाए, कौन सा दोस्तों 15,000 में वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा लेने में आपका फायदा रहेगा, इसी के बारे में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ेगा मैं आप लोगों तक ऐसे ही इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों बिल्ड एंड डिजाइन के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों Redmi Note 8 Pro का बिल्ड एंड डिजाइन बेटर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों रियर में आपको ग्लास बैक मिलता है, जबकि Realme 5 Pro में आपको दोस्तों पॉलीकार्बोनेट का बैक मिलता है। अब आप बोलेंगे कि पॉलीकार्बोनेट थोड़ा ड्यूरेबल होता है, बट यहाँ पे दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है कि विदाउट कवर आप यूज ही नहीं कर पाएंगे पॉलीकार्बोनेट बैक को, बिकॉज यार अगर आप नॉर्मली अगर टेबल पे भी रखेंगे तो भी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को स्क्रैचेस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा कॉन निकल के आता है प्लास्टिक बैक का। तो बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम मिलेगा आपको दोस्तों Redmi Note 8 Pro के अंदर। बात करें दोस्तों डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के मामले में दोस्तों यहां पे Redmi Note 8 Pro थोड़ा सा बड़ा है, 6.53 इंच का आता है, जबकि Realme 5 Pro दोस्तों आता है 6.3 इंच का। बाकी दोस्तों दोनों का सिमिलर है, लुक भी दोस्तों सिमिलर है, वाटर ड्रॉप नॉच है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, IPS LCD पैनल है दोनों के ही अंदर। तो यहां पे दोस्तों आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको दोस्तों थोड़ा बड़ा चाहिए या फिर थोड़ा छोटा से भी चल जाएगा आपका काम। बात करें दोस्तों दिमाग की यानी कि प्रोसेसर की, तो यहां पे दोस्तों दोनों में अलग अलग प्रोसेसर है, यहां पे प्रोसेसर किस में बेटर है उस पे आते हैं। तो Redmi Note 8 Pro में दोस्तों प्रोसेसर बेटर है, क्योंकि यहां पे आपको मिलता है MediaTek का Helio G90T प्रोसेसर। ये दोस्तों गेमिंग प्रोसेसर है, गेमिंग बीस्ट बताया जा रहा है Redmi Note 8 Pro को, जबकि Realme 5 Pro में हमें मिलता है दोस्तों Qualcomm Snapdragon का 712 octa-core प्रोसेसर। डे टू डे यूसेज में दोस्तों दोनों ही डिवाइसेस काफी अच्छे परफॉर्म कर जाएंगे, बट यहां पे दोस्तों गेमिंग के लिए अगर आप फोन ले रहे हैं तो Redmi Note 8 Pro का जो प्रोसेसर है वो बेटर परफॉर्म करके देगा। Redmi Note 8 Pro में दोस्तों 15,000 रुपए में ही आपको लिक्विड कूलिंग का भी फीचर देखने के लिए मिलता है। तो बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि गेमिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो गेमिंग के लिए दोस्तों Redmi Note 8 Pro ही बेटर निकल के आएगा। रैम इनबिल्ट स्टोरेज की अगर बात करें तो दोनों में दोस्तों अलग अलग वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे, साथ में दोनों में ही डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट है, तो यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको कोई भी डिवाइस के अंदर। दोनों में दोस्तों अपना अपना कस्टम यूआई है, Redmi Note 8 Pro में आपको मिलता है दोस्तों MIUI और Realme 5 Pro में ColorOS मिलता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यूआई बेटर लगता है, यहां पे दोनों ही यूआई दोस्तों काफी ही बेहतरीन है। बात करें दोस्तों मेन फीचर की यानी कि कैमरा की, तो दोनों में ही दोस्तों आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, बट यहां पे कैमरा किसका बेटर है, तो रियर कैमरा डेफिनेटली Redmi Note 8 Pro का बेटर निकल के आएगा, बिकॉज यहां पे दोस्तों 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, जबकि दोस्तों Realme 5 Pro में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। बाकी जो तीन सेंसर है वो दोस्तों सेम है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का दोस्तों मैक्रो लेंस है। Redmi Note 8 Pro में दोस्तों LED फ्लैश के नीचे जो लेंस है वो मैक्रो लेंस है। यहां पे बात करें सेल्फी की, तो सेल्फी भी बेटर निकल के आएगा Redmi Note 8 Pro में, क्योंकि यहां पे दोस्तों 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जबकि Realme 5 Pro में हमें मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अगर यहां पे बैटरी की, तो बैटरी के मामले में भी दोस्तों यहां पे Redmi Note 8 Pro बेटर निकल के आएगा, क्योंकि 4500 mAh की बैटरी आपको मिलती है, साथ में दोस्तों 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलता है, जबकि Realme 5 Pro में हमें देखने के लिए मिलता है 4035 mAh का बैटरी। इसमें भी दोस्तों वूक चार्जिंग आपको देखने के लिए मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिल जाता है। ये थे दोस्तों साइड बाय साइड डिफरेंसेस Redmi Note 8 Pro एंड Realme 5 Pro का। यहां पे दोस्तों आपको पता चल गया कि कौन से डिवाइस में क्या कुछ बेटर है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रस्पेक्टिव से दोस्तों फोन चूज करना है और क्या क्या आपको दोस्तों चीजें चाहिए। तो यहां पे आप डिसाइड कर लीजिए, चीजें आपके सामने में है 15,000 रुपए में। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कौन सा चूज करने वाले हैं। उम्मीद आपके वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।